देखिए इन ये जितने भी बच्चे आप डिस्कस कर रहे हो ना, इन बच्चों के साथ बार बार आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अपने आपको थकाना नहीं है, ऊंचा नहीं बोलना। इनका सवाल ये था कि मेरा बच्चा जो है आजकल करंटली वो क्या करता है कि जो चप्पलें होती है सारी जाके फेंक देता है। बच्चा ये तब करता है जब उसे पता चले कि इस हरकत के बाद मुझे तवज्जो मिल रही है। मेरे पास एक बच्चा था, डाउन सिंड्रोम है वो, और वो घास में नहीं जाता था। 10 साल का बच्चा, वो घास को देख कर डरता था। तो उसकी मदर कहती कि मुझे बताओ ऐशी कैसे घास में जाएगा। मैंने कहा इसको कभी घास को टच करवाया, जैसे इंट्रोड्यूस करवाया कि घास होती है? कहती नहीं। हमारी वॉल पूरी ना घास वाली एक वॉल है जो बड़ी सर ने ना बड़ी खूबसूरती बनाई हुई है। तो मैंने ना आशिर को वो इंट्रोड्यूस करे। मैंने कहा आशिर देखो, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, देखो टच करो कितनी अच्छी है। उस बच्चे ने एक दफ़ा उस घास को टच किया, दीवार वाली को, एक्चुअल को नहीं, और वो इतना हैप्पी हुआ कि कितना मज़े का फरीस है, और अगले दिन से अपने लॉन से नहीं निकल रहा। कौन सा बेटर? अच्छा बस आपने उसको ना, एक तो ये कि घर के अंदर वो बैठ जाता है ना, इसके ऊपर अप्रिशिएट करे, और बाहर जाने से पहले उसे एक प्रॉमिस लें कि बाहर जाके आपने सुकून से बैठना है, आपने हिलना नहीं है ज़्यादा। फिर वो परेशान होंगे, वो क्या कहेंगे कि मेरा बेटा इतना अच्छा गंदा बच्चा है, किस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। और फिर आप उसको कहना आप तो मेरे बेटे हो ना, मेरी तो सारी बातें मानते हो, उधर भी आपने माननी है, आप देखें कैसे नहीं वो चलता। तो ये थोड़ी सी एफर्ट आपको पुट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर छोड़ना नहीं है, वरना जब आपने छोड़ दिया। देखिए इन ये जितने भी बच्चे आप डिस्कस कर रहे हो ना, इन बच्चों के साथ बार बार आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अपने आपको थकाना नहीं है, ऊंचा नहीं बोलना, जोर लगा के बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी रूटीन में बार बार उनको ये बात बोलना शामिल कर लें, बहुत पॉजिटिव वे में, और कोशिश करें कि जेस्चर्स के थ्रू, उसका नाम लिया और वहीं से जेस्चर, ठीक है। जहां पे मसला ये आ रहा है कि अब बच्चा बात नहीं कर रहा, तो वहां पे जाहिर आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। वहां पे उससे बात करें, लेकिन 2-3 वर्ड, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उतना वो समझ ही नहीं पाएगा। और फिर उसको टाइम दे रिस्पांस का, लेकिन स्माइल के साथ, गुस्से के साथ ही। आप खुद गौर कीजिएगा, जब आपको गुस्सा आएगा आपके अंदर वो रिजेक्शन फील करेगा, उसके बाद वो आपसे बात ही नहीं करेगा, फिर वो और ऊंचा चीखेगा। बस बस जोर से नहीं बोलना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इन बच्चों के साथ जोर से नहीं बोलना, क्योंकि इनके अंदर बर्दाश्त नहीं होती, ये फौरन रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर आप कहेंगे बच्चा बदतमीज है। आप उसको कहेंगे ना नो, ना करो ना प्लीज, मेरे प्यारे बेटे नहीं। अच्छा वो देखो वो क्या था, डाइवर्ट द अटेंशन। हाँ तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बच्चा बच्चा है, वो 24 का हो 50 का हो, आपके लिए वो बच्चा है। अब यार तुम अब मेरे साथ ऐसे ही करोगे, मैं अपने 22 साल वाले के साथ ऐसे करती हूँ। फिर वो मुझे कहते हैं मामा बड़ी कब होंगी, मैंने कहा मैं तो नहीं होंगी। वो भी चीनी अवॉइड कर, हाँ आपने चीनी अवॉइड करनी है, प्लीज इसको अवॉइड करें। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने दिमाग के डॉक्टर को मिलना है अगर बच्चा बहुत हाइपर हो रहा है, साइकेट्रिस्ट को नहीं मिलना, साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट या दिमाग का डॉक्टर वो है जो बच्चे की ब्रेन को समझेगा और उसके बिहेवियर्स को समझेगा। वो जो मेडिकेशन देगा आप उसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। अच्छा फिर वो 9 साल की है, वो अभी थोड़ा सा चबी होगी क्योंकि वो अपने उस एज फेज में भी आ रही है, तो आपने उसके वेट गेन करने से आपने परेशान नहीं होना। लेकिन आपने उसको बाहर का खाना नहीं खिलाना, रोटी सालन या चावल बहुत ज़्यादा नहीं खिलाने, ठीक है। फ्रूट्स खिलाएं, वेजिटेबल्स खिलाएं, सैलड टाइप जो चीज़ें हैं, और फिर फिजिकल एक्टिविटी, से भागने का बड़ा शौक है ना, भगाएं, फुटबॉल खिलाएं, उसको खूब भगाएं, खेलों में उसका पसीना निकले, तो फिर वो इतना वेट पुट ऑन नहीं करेगा। आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, आपने यकीनन हेल्प की होगी, बहुत ज्यादा गाइडेंस रहनुमाई के लिए होगी। और आप बिल्कुल इस सारे टाइम में आप जो बातें मैंने समझाई हैं आप इसको एग्जीक्यूट करके आए, दोबारा बताएं हमें। इनका सवाल ये था कि मेरा बच्चा जो है आजकल करंटली वो क्या करता है कि जो चप्पलें होती है सारी जाके फेंक देता है। दादा आए, दादा की चप्पल हुई, वो उठा के फेंक दी, फुप्पी उसको नागवार गुजरी, वो उसने फेंक दी। बच्चा ये तब करता है जब उसे पता चले कि इस हरकत के बाद मुझे तवज्जो मिल रही है, और वो कहता है अब कर लो मेरा जो करना है, ठीक है। ठीक है मैं आपको बता रही हूँ ना, ठीक है। आपने क्या करना है, आप चाहती नहीं कि वो ये हरकत ना करे, जहाँ चप्पल उसने फेंकी है वहां से उससे वापिस मंगवाई लाएगा। देखिए फिर जब आप यहां से खड़ी होकर कहेंगे ना कि जाओ जाके चप्पल लेके आओ, वो क्या कोई भी नहीं लाएगा।
आपने उसका हाथ पकड़ना है, आपने कहना अब ये किया है ना, अब हमें सही भी करना पड़ेगा, चलो चप्पल लेके चलो 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 चलो। सबको चप्पलें मांगे। अब देखिए यही ये बिहेवियर उसने सीख लिया, अब आपको ये बिहेवियर खत्म करना है, क्योंकि जब वो चप्पल मारता है सारे चीख पड़ते हैं, मेरी बात सुनिए ना, सारे चीखते हैं, उसे रिस्पांस देते हैं, उसे पता चल जाता है इसमें तवज्जो मिलती है, ठीक है, या उसे डांट पड़ती है, अब सारे सुकून से बैठे होते हैं, एकदम ऐसी हरकत करता है कि सारे उस तरफ लग जाते हैं उसका गोल। खाना चाहिए ना, पहले आराम से सुकून से खाता है, अब आपके बाद चले। आपने क्या करना है, इसकी इन्हीं हरकतों को ना इसकी स्ट्रेंथ बना दें। पप्पू आई, चप्पल पड़ी हुई है, फौरन उसको कहें देखो पप्पू की चप्पल है, जाओ उधर रख के आओ, खुद से कहना शुरू कर दें। दादा आए, दादा की चप्पल पड़ी, इससे पहले कि वो उठ के फेंकने जाए, आपको चलो आओ चप्पल उठा के उधर रख के आए, प्रोडक्टिव कर दें। अब पता चला ना, यही मैं कह रही थी, वो चप्पलें मारते इसलिए ताकि आपकी तवज्जो मिले, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अब मैं आपको बताऊँ ना, आपने भी बताया कि ये मारती बहुत है, ठीक है, अब यहाँ से उसने मार सीखी है। हमारे टर्म में ना इसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, कि यहाँ का गुस्सा वो बाकी सब जगह निकालता है, कि यहाँ से खाई है ना उधर मैं मार के आता हूँ। प्लीज वो फिर जब मार खाने टमाटर खाने के बाद ना अपनी माँ से और ना वो करता है। मैं आपको यही तो समझा रही हूँ, ये आपको लग रहा है, आपने बच्चा बन के सोचना है, मतलब अगर मैं बच्ची हूँ और ये मेरी अम्मी है और ये मुझे हर चीज पे, मतलब मैं इधर शैतानी करती हूँ उधर भागती हूँ, ये मुझे रख के लगाती हैं, अब मैं तो सोचूंगी ना कि मैं ऐसा क्या काम करूँ कि इनको भी तकलीफ हो। वो क्या होगा, मैं या तो पुप्पो को जाके कुछ करके आऊंगी क्योंकि पुप्पो ने इनको ही सुनानी है, दादा को करके आऊंगी ताकि दादा भी इनको सुनाए। एंड बिलीव मी, मैं वो हूँ जो अपने दादा की चप्पलें फेंक के आती थी, मैं हूँ वो, आपके सामने खड़ी हूँ और मैं दादा को बातें भी सुना के आती थी। नहीं, मेरे दादा जब मुझे मेरे दादा तो जब मुझे डांटते थे ना, तो मुझे अभी अम्मी बताती हैं, मैं उनकी चप्पल साथ वालों के घर फेंक देती थी कि कर लो जो कर। आपने खुद नहीं रखनी, उससे रखवाएं। बस मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं चाइल्ड एक्सपर्ट बनी ही इस तरीके से, क्योंकि मैं खुद बड़ी दीवारों पे, ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं यहाँ पे अक्सर मैं खुद चढ़ी होती हूँ। आपसे मिलना चाहती हूँ। जरूर जरूर, मैंने आपको दे दिया, मैंने आप सबको इन्वेलप दिया ये, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ही मिलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आयशा बशीर हूँ, आयशा साकिब और आयशा बशीर दोनों मेरे ही नाम है, साकिब मेरे हस्बैंड है, बशीर मेरे पापा है, तो आयशा बशीर के नाम से मैं चाइल्ड एक्सपर्ट हूँ। ये मैंने आपको पूरी डिटेल अपनी इसीलिए दी है ताकि अगर आप लोगों को कहीं कोई क्यूरीज हैं, आप फील फ्री टू कम टू मी, हम आपको जरूर हेल्प आउट करेंगे।